क्रीमी टस्कन चिकन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी टस्कन चिकन, और टस्कन चिकन के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे एक अदद फ्राइंग पैन। अच्छा, चिकन को हमने यहाँ पे रखा हुआ है चिकन ब्रेस्ट, और ये बेसिकली दो पीसेस हैं, इसको हमने काट के एक मतलब दो ब्रेस्ट हैं, इसको हमने काट के दो पीसेस में कन्वर्ट कर लेना है। ये आ गया, इसमें काली मिर्च और साथ में नमक, बिल्कुल बेसिक मैरिनेशन, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ इसमें शामिल नहीं। पैन में जैसे ऑयल गर्म होगा, सबसे पहले इस चिकन ब्रेस्ट को हम फ्राई करेंगे। ये आ गया चिकन, चिकन यहाँ पे फ्राई हो रहा है। ईच साइड मैंने आपको जिस तरह बताया कि 3 से 4 मिनट हमने फ्राई करना है, और फिर इसको टर्न करके दूसरी साइड भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। और टस्कन चिकन के लिए हमने दो चिकन ब्रेस्ट लिए, इनको हमने थोड़ा सा काली मिर्च नमक लगा के इसको हमने पैन में हल्का सा फ्राई कर लिया। ओवरऑल तकरीबन 6-7 मिनट पका है, निकाल लिए, इसमें भी थोड़ी सी कसर है। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं, और इस पैन में भी हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। ये इसका क्रीमी सॉस बनने जा रहा है, और उसके बारे में आपको तफसील बताते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया, साथ में चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ लहसुन जो कि है, चॉप किया हुआ लहसुन कहाँ गया, 2 खाने के चम्मच। तो 1 खाने का चम्मच इसमें हमने तलहार मिर्च पाउडर डाल दिया, मस्टर्ड पेस्ट, ये आ गया, थोड़ा सा काली मिर्च भी 1 चाय का चम्मच, पानी। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे, सॉस को हम थिकनी कर रहे हैं बेसिकली। ये देखा, अभी हमने सिर्फ क्रीम शामिल की, क्रीम से ही ये सॉस इतना गाढ़ा हो गया। सॉस को इस चिकन के ऊपर डालेंगे, साथ में स्पिनच आएगा। इसका कलर आपको बड़ा मज़े का जो नज़र आ रहा है, तलहार मिर्च की वजह से स्पाइसी नहीं होती, तीखी नहीं होती। ये सॉस अब सारा का सारा हमने इसके ऊपर डाला चिकन के, कद्दूकस करके। 1 कप हमने इसमें चेडर चीज़ शामिल करनी है, और उसके बाद ये तकरीबन चिकन के ऊपर ही डालना है हमने, साइडों में नहीं डालना है बस। और इसको हमने बेक कर रहे हैं ओवन में, ओवन में इसका ऊपर का हमने हीट ऑन की हुई है, नीचे की नहीं की हुई। ये चीज़ पूरी मेल्ट भी हो जाएगी ओवन में, टू बी बेक फॉर जस्ट 10 मिनट्स। ये जो पालक अभी हमने 2 कप यहाँ पकाई हुई है, ये बेसिकली स्टीम में पकी है, इसको बॉइलिंग पानी में नहीं पकाना है, पैन रख दिया। इसमें पालक शामिल करेंगे, इससे पालक क्रीमी हो जाएगी और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का हो जाएगा। ये सिंपली इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया, हल्का सा बस, और इसको मिक्स करना है, बहुत पकाना नहीं है। इसकी गज़ाइत उसी सूरत आपको मिलेगी, क्रीम की गज़ाइत भी आपको मिलेगी, और साथ में पालक की भी। सो ये क्रीमी स्पिनच बन जाएगा। सो अभी हम काम ये करेंगे, चिकन जैसे पक के आएगा, हमने स्पिनच का सिंपल बेड लगाना है, यानी प्लेट के ऊपर ये पालक रखेंगे और उसके ऊपर चिकन रख देंगे बस। तो टस्कन चिकन हमारा हो जाएगा कम्प्लीट। मैं आपको ज़रा इसकी शक्ल दिखा दूँ, ये देखिए कैसा ज़बरदस्त आया, लुक एट इट। सॉस भी इसका रेडी है बिल्कुल। सो ये चिकन ब्रेस्ट लिया, और ये बस क्रीमी टस्कन चिकन। अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चम्मच, क्रश्ड ब्लैक पेपर 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, प्याज चॉप 1 अदद छोटी, तेल 6 खाने के चम्मच, लहसुन चॉप 2 खाने के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चम्मच, क्रीम 1 पैकेट, पालक उबली और कटी 2 कप, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1 कप, पार्सले चॉप 3 खाने के चम्मच। Add some masala to your life.